क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड आर इज द मदर ऑफ एस, सो पी क्या है? क्यू का हस्बैंड है, ठीक है, पी है क्यू का हस्बैंड, तो पी ऐसे बना दो, क्यू यहाँ बना दो, ठीक है। हमें किसके बारे में बताया? अभी बस पी का जेंडर दिया है, तो पी पॉजिटिव बना दो, बट हमें एक इन्फॉर्मेशन और दे दी कि पी क्यू का हस्बैंड है, मतलब पी और क्यू कपल्स हैं, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक इक्वल टू साइन से या दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन से, ठीक है। अब आपको पता है कपल है, एक मेल है, तो दूसरा ऑब्वियसली फीमेल ही होगा, तो ये फीमेल हो जाएगा। तो कपल वाले केस में आपको सिर्फ एक का ही जेंडर देते हैं, दोनों का जेंडर नहीं देते जनरली। अब क्या बोला है, आर इज़ द मदर ऑफ एस एंड क्यू, ओके, आर एस और क्यू की मदर है, ठीक है, एस और क्यू दोनों की मदर है, समझना मेरी बात, एस और क्यू की मदर है आर, तो इसका मतलब एस और क्यू कौन होंगे? ऑब्वियसली भाई बहन या ऐसा कोई रिलेशन होगा, अब दोनों बहन हो सकती हैं, है ना, दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोनों भाई तो नहीं हो सकते क्योंकि एक तो हमें पता है फीमेल है ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेम इसमें जनरेशन में ले आते हैं एस, ओके, और इनके ऊपर क्या बना देते हैं, आर को बना देते हैं, ये बन गया आर, आर मदर है तो माइनस, समझ गए। वॉट इज आर टू पी, आर पी का क्या लगता है, आर पी का क्या लगता है? तो यहाँ से आपको ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, आर की जो वाइफ है उसकी मदर है, पी की जो वाइफ है उसकी मदर है आर, तो ये हो जाएगी पी की भी मदर लगेगी बट नॉट रियल मदर, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मदर इन लॉ।